हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस समय सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की इमेजेस कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रही हैं, वायरल हो रही हैं और कुछ में टैगलाइन लिखा हुआ आ रहा है कि इन बच्चों का 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप स्नैपचैट बेबी फिल्टर का यूज करके आप भी किसी का भी फेस को बेबी फिल्टर में चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हाउ टू यूज स्नैपचैट बेबी फिल्टर। तो सो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जानते हैं कैसे हम ये स्नैपचैट बेबी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, स्नैपचैट बेबी फिल्टर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा और अपना स्नैपचैट को अपडेट करना होगा। यहाँ पे फिलहाल मैंने अपडेट किया हुआ है, आप अपना स्नैपचैट जरूर से अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साइड पर एक इमोजी टाइप का ऑप्शन या बेबी फेस देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कई आपको फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ स्क्रॉल करके आपको तीसरे नंबर पे आना होगा जहाँ पर बेबी फेस बना होगा। जैसे ही आप फ्रेंड्स बेबी फेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉय का आइकन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही टॉय के आइकन देखने को मिल जाएगा तो यही सर फ्रेंड्स आपका बेबी फेस पे कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन होगा। तो सो फ्रेंड, मैं अब आपको दिखा देता हूँ कैसे ये बेबी फेस वर्क करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक इमेज है जो अक्षय कुमार जी की है, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है और ये देखिए बेबी फेस के रूप में आ गया है। तो ये देखिए बेबी फेस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह किसी इमेज को क्या कहते हैं जेंडर चेंज करना चाहते हैं, कई लोग जेंडर चेंज करके आप इमेज दिखाते हैं, तो अगर आप किसी भी इमेज का जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे उसका जेंडर चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो फिर से यहां पे मैं अक्षय कुमार जी को फेस को दिखाता हूं और देखिए यहां पर एक गर्ल्स का फेस देखने को मिल जाएगा आपको। ये हमने मैंने कर दिया है, अब यहाँ पर आपको गर्ल्स का फेस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अक्षय कुमार जी का फेस जो है गर्ल्स के रूप में आ चुका है। सो फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे कि स्नैपचैट फिल्टर का यूज करके किसी भी पर्सन का बेबी फेस कैसे बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये टिप एंड ट्रिक्स पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप से रिलेटेड और भी ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।